अम्मी प्लीज, अब आप सोच सोच के ज्यादा अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, आपको सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे के मामला कैसे संभालने हैं मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। छोड़ा ही आप जी? बहुत बुरा, फर्दी ने लोगों के सामने हमारी इतनी बेइज्जती करवा दी। समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह सामना करूंगी भाभी और फरहान का। नहीं है घर पर, वो चले गए अपने भाई के वहां। समझदार, मगर अफसोस ये कि तुम समझ नहीं पा रही। तुमने अपनी बहन और भांजी के बारे में सोचा मगर अपने इकलौते बेटे के बारे में? तो मैं क्या करती, रख लेती उसे यहां जबकि फरदीन ने उसे तलाक दे दी थी। कब दी थी? क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ कब दी थी उसे तलाक, क्या तुम्हारे सामने दी थी? फरदीन ने कहा था कि फरदीन ने नहीं कहा था, अजमिया ने कहा था। हो सकता तुम वहां पर हो तभी तो तुमने अपने भांजी का साथ दिया मगर अपने बेटे का नहीं। अजमिया ने मुझे खुद सारी बात बताई थी, पागल थोड़ी है जो झूठ बोलेगी। तुम्हारा बेटा पागल है जो बिलावजह तलाक दे देगा। बहरहाल मैं सारी सूरत हाल में उसे इस तरह घर में नहीं रख सकती थी। लोग 10 बातें बनाते। तो तुम्हारे ख्याल में अभी क्या कर रहे होंगे? भाभी क्या चुप बैठी होंगी अपने भाई के घर पे? इसीलिए कह रहा था कि सोच समझ कर भेजो, कोई और बहाना बनाकर। तुमने तो अपने बेटे को ही विलन बना दिया। शायद गलती हो गई मुझसे। हसन भी मुझे घर से निकल जाने को कह रहा था। देखा, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि उसे अभी मत भेजो, मगर तुम्हारे सर पर तो जुनून सवार था। तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन और भांजी इंपॉर्टेंट होंगी मगर मेरे लिए मेरा इकलौता बेटा, और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपने बेटे की बात तक सुनना गवारा नहीं की, सब लोगों के सामने लताड़ दिया। मेरी भांजी है, मैं तो उसका साथ दूंगी। ठीक है, तो फिर अब तो उसका साथ दूंगी।